नमस्कार, मैं हूं अंजलि और एचबीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों से। अपने हक हक्कू और सम्मान के लिए कुनमी समाज को आगे आना होगा, डॉक्टर अखिलेश। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत 4 लाभार्थियों को 4 टेम्पो वितरण किया गया। ईरान यूएस तनाव के बीच भारत ने जारी किया अलर्ट, एयर स्पेस के इस्तेमाल से बचने की दी सलाह। INS सुविधा ने अल हमीद नौका के क्रू को बचाया। भारत बंद को शिवसेना का समर्थन, बीपीसीएल के कर्मचारी भी सड़क पर उतरे। ट्रेड यूनियनों द्वारा आज बुलाए गए देशव्यापी। अब खबरें विस्तार से। अपने हक हक्कू और सम्मान के लिए कुर्मी समाज को आगे आना होगा, डॉक्टर अखिलेश। महुआ अनुमंडल के गौरल प्रखंड के अंतर्गत रामलखन सिंह अवध महाविद्यालय प्रेमराज में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बिहार प्रदेश इकाई के तत्वाधान में आयोजित प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ समाज सेवी सुनील कुमार के संयोजकत्व एवं कृष्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता एवं प्रोफेसर वेद प्रकाश पटेल के संचालन में आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि आधुनिक भारत में कई ऐसे वीर क्रांतिकारी व राजनेता हुए जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर कुर्मी वंश की लाज रखी। आज राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक रूप में जो हक मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। वैशाली जिले के भगवानपुरा प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत 4 लाभार्थियों को 4 टेम्पो वितरण किया गया। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत 4 लाभार्थियों को 4 टेम्पो वितरण किया गया। साथ ही चारों लाभुकों को मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत 1-1 लाख रुपए का अनुदान का चेक प्रखंड प्रमुख वैद्यनाथ चौधरी के द्वारा दिया गया। साथ में प्रखंड विकास पदाधिकारी नीलेश कुमार, अंचल अधिकारी नंद किशोर प्रसाद निराला, उप प्रमुख उमेश राय, दिनेश कुमार, विकास मित्र एवं सभी प्रखंड कर्मियों के उपस्थिति में प्रदान किया गया। ईरान यूएस तनाव के बीच भारत ने जारी किया अलर्ट, एयर स्पेस के इस्तेमाल कर बचने की दी सलाह। इराक में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते जा रहे तनाव के बीच भारत ने खास निर्देश जारी किए हैं। मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे अगली अधिसूचना तक इराक की भी सभी गैर आवश्यक यात्रा करने से बचें। इसके साथ ही इराक में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि वे इराक के अंदर भी यात्रा करने से बचें। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाँव के हालात से लेकर किसानों के भरोसे तक, गांव के विकास से लेकर खेतों की खुशबू तक, गांव के प्रधानों से करेंगे बात, गांव गांव तक पहुंचेंगे हम, हर खबर दिखाएंगे हम, हकीकत गांव की। जल्द आ रहा है HBN न्यूज पर। देखिए बता, आपका स्वागत है HBN न्यूज चैनल में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। INS सुविधा ने अल हमीद नौका के क्रू को बचाया। INS सुविधा ने अल हमीद नौका के क्रू को बचाया। 13 भारतीय भी थे मौजूद। भारतीय नौसेना के जहाज सुविधा ने 6 जनवरी गश्त के दौरान अल हमीद नौका के चालक दल को बचाया। INS सुविधा से लॉन्च हुए नेवी हेलीकॉप्टर ने अल हमीद की पहचान की थी, जिससे यह तय हुआ था कि सोमलिया तट के करीब नाव संकट में था और बह रहा था। भारतीय नौसेना ने बताया कि अल हमीद के रूटीन जांच के लिए नेवल टेक्निकल टीम और बोर्डिंग टीम सहायता में लग चुकी है। अल हमीद के क्रू में 13 भारतीय नागरिक हैं। भारत बंद को शिवसेना का समर्थन, बीपीसीएल के कर्मचारी भी सड़क पर उतरे। ट्रेड यूनियनों द्वारा आज बुलाए गए देशव्यापी। भारत बंद को शिवसेना का समर्थन, बीपीसीएल के कर्मचारी भी सड़क पर उतरे। ट्रेड यूनियनों द्वारा आज बुलाए गए देशव्यापी। बंद से बैंकिंग, यातायात और अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। शिवसेना ने इसे बंद का समर्थन किया है। उसने केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों की आलोचना की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि भाजपा सरकार के पहले शासन के दौरान उद्योग और श्रमिक वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। मुंबई में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के कर्मचारियों ने भारत पेट्रोलियम के विनिवेश के सरकार के फैसले का विरोध किया। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा और काचरापाड़ा में रेलवे ट्रैक को
ब्लॉक कर दिया है। सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम NBSTC का बस ड्राइवर हेलमेट पहनकर बस चलाता दिखाई दिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।